और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर के बाबूपुरवा में। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर आ रही है, बसपा ने अतीक के परिवार को फिर मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू हम करा रहे हैं, अतीक के परिवार को फिर मेयर चुनाव लड़ने का यहाँ पर ऑफर दिया गया है। शायस्ता की जगह अब उसकी देवरानी जैनब को प्रत्याशी बनाने की तैयारी है। अशरफ की पत्नी जैनब को मेयर चुनाव लड़ना चाहती है बसपा, और जैनब इकलौती ऐसी बालिग सदस्य हैं जिस पर कोई भी आरोप नहीं है। और सूत्रों के मुताबिक जैनब ने अपनी चुनाव लड़ने के लिए हामी नहीं भरी है, लेकिन उसको ऑफर दिया गया है। शाइस्ता की जगह अब उसकी देवरानी जैनब को प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है बसपा। यह इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक के परिवार को ऑफर दिया गया बसपा की तरफ से। अशरफ की पत्नी जैनब को मेयर चुनाव लड़ाना चाहती है बसपा, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले जहां शाइस्ता परवीन थी, अब यहां पर उन्हीं की देवरानी जैनब इकलौती ऐसी बालिग सदस्य है जिस पर कोई आरोप नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जैनब ने अभी चुनाव लड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। दरअसल अतीक अहमद के परिवार को बसपा की तरफ से ऑफर दिया गया है मेयर के लिए। अब यहां पर बसपा ने अतीक के परिवार को एक बार फिर से ये मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। शाइस्ता की जगह इस बार उनकी देवरानी जैनब को चुना गया है प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि अभी तक जैनब ने अपनी हामी इसको लेकर नहीं भरी है। उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से नाम सभी के सामने आए हैं, अतीक परिवार में शाइस्ता का नाम भी सामने आया है। साजिश रचने का आरोप शाइस्ता पर लगा है, लेकिन जैनब इकलौती ऐसी बालिग है जिस पर कोई भी आरोप अभी नहीं है। माफिया अतीक के परिवार को लेकर के इसीलिए बसपा की तरफ से ऑफर दिया गया है जैनब को मेयर चुनाव के लिए। शाइस्ता की देवरानी है जैनब, अशरफ की पत्नी जैनब को मेयर चुनाव लड़ाना चाहती है बसपा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो एक तरफ जहां अतीक का पूरा परिवार शिकंजे में है, मुश्किलों में है, और उसी बीच इनाम भी उन पर घोषित किए गए हैं, कई लोग फरार भी चल रहे हैं, लगातार उनकी पुलिस तलाश कर रही है। बसपा ने अतीक के परिवार को फिर से मेयर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, और ऐसे में शाइस्ता की जगह जो उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, अब उनकी जगह देवरानी जैनब को यहाँ पर चुनाव लड़वाना चाहती है बसपा। बताया जा रहा है कि जैनब एक ऐसी बालिग सदस्य है जिस पर अभी तक कोई भी आरोप नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहां पर उन्हें ये ऑफर बसपा की ओर से दिया गया। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, जहां पहले शाइस्ता का नाम था, तो ऐसे में अब शाइस्ता की देवरानी है जैनब का नाम सामने आ रहा है कि बसपा ने ऑफर दिया है मेयर को लेकर के। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के परिवार को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी का जो मोह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शाइस्ता परवीन का टिकट काटा जा चुका है, और काटा इसलिए गया है क्योंकि वो लगातार फरार चल रही है, उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। लेकिन पार्टी ने अब ऑफर किया हुआ है शाइस्ता परवीन की देवरानी यानी बरेली जेल में बंद खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी को। वो पार्टी चाहती है कि जैनब उर्फ रूबी चुनाव लड़े, लेकिन अभी जो है वो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कि परिवार ने अभी इसके लिए हामी नहीं भरी हुई है, क्योंकि जैनब उर्फ रूबी ही अतीक अहमद के परिवार की इकलौती ऐसी बालिग सदस्य हैं जो कि जेल में नहीं है, और उनके ऊपर किसी मुकदमे में अभी आरोप नहीं है। तो पार्टी ने ऑफर जरूर दिया है, लेकिन क्या माफी अतीक अहमद का परिवार इसे कबूल करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वही दूसरी तरफ जो उमेश पाल का शूट आउट हुआ था, उस शूट आउट में जो माफिया अतीक अहमद है उसे लेकर के भी एक खबर सामने आई है। उसे एक खबर ये है कि उमेश पाल शूट आउट केस में बीएसपी के कुछ नेताओं से पुलिस पूछताछ कर सकती है। दरअसल उमेश माफिया अतीक अहमद के घर से एक रजिस्टर बरामद हुआ था, और उस रजिस्टर में बीएसपी के कुछ नेताओं से और अतीक अहमद के परिवार के बीच पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। ये पैसे किस लिए दिए गए थे, शूट आउट केस के महज 2 से 3 महीने पहले में 2-3 बार में दिए गए थे पैसे, और लाखों के रुपए की रकम थी। तो ये पैसे किस मकसद से दिए गए थे, क्यों दिए गए थे, और कहीं बिल्कुल तमाम अपराधों में नाम आने के बाद भी बसपा का जो मोह है वो अतीक परिवार के लिए खत्म नहीं होता दिख रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।